पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं ने दिल्ली वालों के पसीने छुड़ा दिए हैं। बुधवार के दिन राजधानी का पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। इससे दोपहर को लू के थपेड़ों जैसे एहसास हुआ, जबकि पीतमपुरा में स्थित निगरानी केंद्र में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में इस बार मौसम का रुख अलग किस्म का हो रखा है। पहले तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में सामान्य से ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई, जबकि मई का महीना सामान्य से कम गर्म रहा। जून के पहले सप्ताह में भी गर्मी का मिजाज नरम रहा, लेकिन अब मौसम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार के दिन सुबह से ही तेज और चमकीला सूरज निकला रहा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप तीखी और तेज हो गई। आपको बता दें, आसमान साफ होने के चलते धूप सीधी पड़ रही है, जबकि इस समय राजस्थान हरियाणा की ओर से पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। आपको बता दें, यह हवा अपने साथ वहां की गर्मी भी ला रही थी, जबकि हवा की रफ्तार भी दिन में 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।